भरनो पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा। अमलिया डहुटोली गांव के कुना में मिला था अज्ञात युवती का शव। प्रखंड में अमलिया डहुटोली गांव में जंगल के पास कुना से अज्ञात युवती का शव पुलिस ने बीते 13 दिसंबर को बरामद किया था। पुलिस ने 38 घंटे के अंदर हत्याकांड का खुलासा कर लिया। मामले की जानकारी शुक्रवार को भरनो थाने में SDPO मनीष चंद्र लाल, इंस्पेक्टर SN मंडल एवं थानेदार कृष्ण कुमार तिवारी ने प्रेस वार्ता कर दिया। मृतका की पहचान कैरो थाना क्षेत्र के चेरमू गांव निवासी स्वदेवी महली की पुत्री शिला कुमारी 23 वर्ष के रूप में हुई है। मामला यह है कि युवती चेरमू पतरा टोली निवासी जलेश्वर लोहरा के पुत्र अंगद लोहरा 21 वर्ष के साथ विगत 3 वर्षों से लव रिलेशन में रह रही थी। युवती अपने प्रेमी पर शादी का दबाव बना रही थी। युवक का कहना था कि नौकरी लगने के बाद शादी कर लेंगे। बीते 11 दिसंबर की सुबह अंगद खेत में काम कर रहा था, तभी उसकी प्रेमिका खेत में आकर शादी करने की बात कर झगड़ने लगी। इतने में अंगद ने पत्थर से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। फिर अंगद ने वहीं पर स्थित कुना में उसे धकेल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिर वह चुपचाप अपने घर आ गया और फोन पर अपने पिता को घटना की जानकारी दिया। उसके पिता रांची में मजदूरी का काम करते हैं। शाम को उसके पिता अपने घर पहुंचे और शव को दूसरे जगह ठिकाने लगाने का षड्यंत्र किया। इस षड्यंत्र में उसकी मां मनरत्नी देवी भी शामिल रही। फिर उसी रात बाप बेटे ने मिलकर गाँव के कुआं से शिला के शव को बाहर निकाला और प्लास्टिक एवं बोरा में भरकर अपने बाइक पर भरनो थाना क्षेत्र के दहुटोली गांव के पास कुना में लाकर फेंक दिया। अंगद के पिता का पैतृक गांव भी दहुटोली है, इसलिए उसे इस क्षेत्र की पूरी जानकारी थी। घटना के बाद SP के निर्देश पर पुलिस टीम का गठन कर छानबीन शुरू हुई और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अंगद लोहरा, उसके पिता जलेश्वर लोहरा एवं उसकी मां मनरत्नी देवी को जेल भेज दिया। छापेमारी दल में SDPO मनीष चंद्र लाल, इंस्पेक्टर SN मंडल, थानेदार कृष्णा कुमार तिवारी, SI मिचराय पांड्या, राजेश बिहा, त्रिवेणी ओझा, सुनील सिंह सहित पुलिस जवान शामिल थे। अपना भरतपुर क्षेत्र के अमलिया धनपुरी कृष्णा धुरु के बारी के कुल से एक युक्ति का बोरा में बना उसको भरत कर दिया है, जिस पर संबंध में एक उसका FIR दर्ज किया गया, ज्ञापन दर्ज किया गया, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय के दिए गए निर्देश के आलोक में थाना प्रभारी भरू और भाग्य पदाधिकारी के द्वारा दिए निर्देश का अनुपालन करते हुए ग्राम चेयरमैन ने पता लगाते हुए पहचान की जो मृतक जो अज्ञात था वो शिला कुमारी पिता का नाम है स्वर्गीय देवी कुमारी, उसका पहचान किया गया। और इसके बाद जो पहचान अनुसंधान करते हुए जब अनुसंधान के क्रम में बात प्रकाश में आई कि चेरू पतर नदी के रहने वाले अंगित मोहरा जो सीमा देवी के साथ में 2-3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और जो मृतिका सीमा कुमारी अंगद कुमार को शादी करने का दबाव डाल रही थी, जिस पर उसके द्वारा शादी करने से इनकार करा था। वो उसका कहना था कि जब लड़की ने धूम शादी करी, लेकिन लड़की के द्वारा ज्यादा पैसे डालने पर उनके लड़के अंगद कुमार उसको मारपीट कर किसी पत्थर से उसके सर को मारकर उसकी हत्या करके शव को कुएं में डाल दिया और उसकी माँ और वो चुपचाप अपने घर में बैठ गए और अपने उसके पिताजी जो बाहर रांची में मजदूरी काम करते हैं उनको फोन करके बुलाया और रात के करीब 11 बजे उस कुएं से उस डेड बॉडी को रस्सी और रस्सी के सहारे निकाल कर वहीं पर वहीं के बगल रखा हुआ प्लास्टिक और घर से लेकर के बोरा में कस के अपनी मोटरसाइकिल से लाद कर, चूंकि ये जो अंगद बोरा है उसके पिताजी जलेश्वर बोरा वो ग्राम अनुमिया में ही उनका पैतृक आवास है, क्योंकि वो जो है देखा हुआ था उनको पता था कि जो कृष्णा धुबरी का जो बाड़ी का कुआ है जो यूज नहीं होता है जिसमें जंगल झाड़ी है उस मोटरसाइकिल पर लाद कर करीब रात के 12:30 बजे उस डेड बॉडी को उस कुआ में डाल दिया ताकि उस डेड बॉडी को कोई पहचान न हो सके। और चूंकि वहाँ पर उस सुनसान जगह को ले जाते हैं डाल के चले गए और इस पर नजर रखे थे। 13 तारीख को जब भरू थाने को डेड बॉडी मिला और इसकी जब पहचान के लिए शिला देवी इन लोगों को तीनों को गिरफ्तार किया, तीनों को अंगद कुमार जलेश्वर महतो और मन रखनी देवी तीनों माँ बाप और बेटा को गिरफ्तार किया गया, जिसमें सख्ती से पूछताछ में लोगों ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए स्वीकार किया और प्रयुक्त पत्थर को
अब हम लोग को बरामद किया, पत्थर बरामद किए और तीनों गिरफ्तार किए उसको जेल। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।